रतलाम अपनी मुख्य मांगों को लेकर सेवा सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों ने आज रतलाम में रैली निकाली। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें रतलाम जिले के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। इनकी मुख्य मांगे थी कि समस्त कर्मचारियों का वेतन लागू किया जाए, पदस्थ सभी कर्मचारियों को जिला कैडर स्थानांतरण लागू किया जाए, कंप्यूटर ऑपरेटरों को सेवा नियत में लिया जाए, सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष की जाए, 7 से उचित मूल्य की दुकानों को समूह में देने का निर्णय वापस कर दुकानों को समितियों को दिया जाए एवं समितियों में भुगतान क्षमता के मापदंड पूर्त समाप्त कर कर्मचारियों को राज्य शासन का दर्जा दिया जाए। नीमच से जसपाल टेलर की रिपोर्ट, SKH न्यूज। आज हम सारे कर्मचारी यहाँ का एकत्रित हुए हैं और हमारी लड़ाई अंतिम दौर में चल रही है। हम सरकार से और कुछ नहीं चाहते, मात्र हमारी एक ही मांग है कि हमें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार चाहिए, हमें सम्मानजनक वेतन दो और हमें सरकारी कर्मचारी के समान वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। जिस बात की आपने घोषणा की है मुख्यमंत्री से, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाएं आपकी हम लागू करते हैं, आपकी सारी नीतियों को हम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करके एक लोकहितकारी सरकार